अब आते हैं नेक्स्ट, हम विलियम कूपर की जो सेकेंड नंबर की पोएम है लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, इसके ऊपर इंट्रोडक्शन टू द पोएट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और विलियम कूपर के बारे में आप जान चुके हो कितना दुखों से भरा हुआ इनका जीवन रहा, कितना जो है तकलीफ़ें इन्होंने झेली, और उस तकलीफ़ों की झलक अपने को इनकी पोएम में भी देखने को मिलती है ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर में क्लियरली, है ना। और उसी जीवन की झलक यानी उसी जीवन का रिफ्लेक्शन अपने को इस पोएम के ऊपर भी देखने को मिलेगा जो उन्होंने ये पोएम लिखी है लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस। यानी इस पोएम में भी जो है, देखो उस वाली पोएम में तो उन्होंने एक तरह से यूं कह सकते हैं अपन कि पैसिमिज्म को जो है एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, निराशावाद, और वो निराशावाद भी क्यों, क्योंकि जिस मेंटल स्ट्रेस से वो गुजर रहे थे उस मेंटल स्ट्रेस की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनको हो रही थी, काफ़ी सारी मेंटल प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे थे, तो इसी वजह से जो है उनको काफ़ी तकलीफ हो रही थी, मेलनकलिया के शिकार थे, पढ़ा था अपन ने सीवियर मेलनकलिया के शिकार थे वो, तो इसीलिए काफ़ी समस्याएं थी, और इसी वजह से अपन ने कल पोइम भी पढ़ी थी, कह रहे थे ना वो किस तरह से मेटाफर यूज़ करके उन्होंने पानी के शिप से अपने आप को कंपेयर करके कि भाई मेरे माँ और मेरी पापा जो हैं, मेरे माँ बाप वो तो जो हैं उस द्वीप पर पहुँच गए हैं खुशी खुशी और आराम कर रहे हैं, सभी प्रकार के बंधनों से, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हैं, लेकिन मैं तो जो है मेरा पानी का जहाज़, मेरा जो शिप है वो तो इसी किनारे पर ऐसा लगता है जैसे अटक गया है, समुद्री तूफानों ने इसको जो है अटका दिया है अपने रास्ते से, जिस रास्ते पर मैं आगे बढ़ रहा था उस रास्ते से भटका दिया है, ऐसा लगता ही नहीं मुझे, तो ये वाली सिचुएशन हो गई। अब वो ये कहते हैं कि मेरे माँ बाप को तो वो वहाँ पर जाकर के उस द्वीप पर पहुँच करके शांति मिल गई है, लेकिन मुझे अपने बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि शायद ही मैं अपने जीवन में वो सुख हासिल कर पाऊँ, वो शांति हासिल कर पाऊँ, मुझे मेरे बारे में तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, ये कहते हैं। तो ये उस टाइम की बात है जब उनकी लाइफ में इस तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, और उसके बाद में जब उन्होंने डॉक्टर कॉटन के अंडर में अपना ट्रीटमेंट करवाया तो डॉक्टर कॉटन की वजह से जो उनकी फैकल्टीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ था, उनकी कैपेसिटीज़ जो इम्प्रूव हुई थी, वो स्पिरिचुअलिटी से जो जुड़ना उन्होंने शुरू किया था, तो उसी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने की वजह से ये पोएम जो है एक आउटपुट के रूप में अपन देखते हैं। यानी जब वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए, जब वो स्पिरिचुअल बने, जब डॉक्टर कॉटन ने उनका ट्रीटमेंट किया, तो उसके बाद में जो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आया, तो उस टाइम की उनकी फीलिंग क्या थी, वो फीलिंग अपने को यहाँ पे इस पोएम में देखने को मिलेगी लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस में। देखिए इंट्रोडक्शन टू द पोएम, पेज नंबर 104। The poem Light Shining Out of Darkness is one of Cooper's very successful religious poem. Underline कीजिएगा, a religious poem, धार्मिक कविता है ये, है ना? Light Shining Out of Darkness William Cooper की बहुत successful religious poems में से एक है। अब ये religious poem का point आप कहाँ पे use कर सकते हो? Critical appreciation में, वहाँ पे use किया जा सकता है ये, है ना? External beauty वाली line में जो points बनते हैं वहाँ पे जो है इस चीज़ को आप use कर सकते हो, a religious poem, है ना? और religious poem को अपन क्या बोलते हैं? Hymn, भजन, ईश्वर की आराधना में गाए जाने वाले जो भजन होते हैं hymn, तो hymn है ये, hymn, hymn, तो या तो hymn लिख दो या फिर religious poem लिख दो, एक ही बात है, वैसे hymn ज़्यादा बेटर रहेगा। The poem is a hymn, ये आ गया, देखो पोएम इज़ ए हिम आ भी गया है। ये पोएम जो है एक तरह से ईश्वर की आराधना में गाया जाने वाला एक भजन है, एक हिम है। Employing innumerable metaphors to express the greatness and the mercy of God, जिसमें उन्होंने असंख्य metaphors का इस्तेमाल किया है, innumerable, असंख्य यानी कई सारे metaphors का यूज़ किया है, क्या बताने के लिए? टू एक्सप्रेस द ग्रेटनेस एंड द मर्सी ऑफ गॉड, ईश्वर की ग्रेटनेस को और ईश्वर की मर्सी को जो है एक्सप्रेस करने के लिए कई सारे मेटाफर्स का यूज़ किया है उन्होंने। इसका मतलब ये है कि अलग अलग चीज़ों को मेटाफर्स के माध्यम से बोल बोल करके उन्होंने ईश्वर की ग्रेटनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं वो। यानी इस पूरी पोएम में केवल दो चीज़ों के बारे में बात हुई है, नंबर वन ग्रेटनेस ऑफ गॉड एंड नंबर टू मर्सी ऑफ गॉड, greatness of God and mercy of God, और इन दोनों चीज़ों को उन्होंने express किया है क्या use करके? innumerable metaphors का use करके, यानी कि पूरी poem metaphors ही metaphors से भरी हुई है सारी की सारी poem।
इवन इफ लाइफ अनफोल्ड्स माइजरी देर इज अ हिडन मीनिंग इन द हार्डशिप ऑफ ह्यूमन लाइफ। और विलियम कूपर अपनी इस पोएम में कहते हैं, जो छोटा सा मैसेज जो उन्होंने इस छोटी सी पोएम में दिया है वो ये है कि अगर हमारी जिंदगी में कभी दुख आता भी है, इवन इफ लाइफ अनफोल्ड्स माइजरी, अनफोल्ड का मतलब खोलना होता है, लेकिन जिंदगी खोलेगी तो नहीं है ना, तो अगर हमारी ज़िंदगी में कभी दुख आता भी है, देर इज़ अ हिडन मीनिंग इन द हार्डशिप ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इस प्रकार की मानव जीवन में आने वाली कठिन परिस्थिति में भी ईश्वर का कोई ना कोई संदेश छिपा रहता है, ये बात कह रहा है वो। यानी इसका मतलब ये है कि इस पोएम के माध्यम से उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है दोस्तों कि ह्यूमन लाइफ क्या है, सुख और दुख से भरी हुई है, कभी खुशी कभी गम है। ज़िंदगी क्या है, कभी खुशी कभी गम। कभी इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ आती है तो कभी दुख आ जाते हैं, फिर खुशियाँ आती है फिर कुछ पल के लिए वो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो जो जो कठिन परिस्थितियाँ आती है, वो जो हार्डशिप्स आती है, उन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हम परेशान होकर के इतना टूट जाते हैं, इतना ब्रोकन डाउन हो जाते हैं कम्प्लीटली कि हम ईश्वर को कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा भी होगा, भगवान मेरा ये काम कर देना, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 11 नारियल चढ़ाऊंगा, इतने अगरबत्तियाँ लगाऊंगा। जैसे पीके पिक्चर देखी होगी आपने, है ना, पीके बाबू जो दूसरा गोला से आया था, तो वो पिक्चर देखी होगी आपने, है ना, भगवान मेरा एग्ज़ाम पास करा देना, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो लोग जो है ईश्वर से इस तरह से मांगते रहते हैं और बदले में उनको जो है लालच देते रहते हैं, क्या कि भाई मेरा ये काम कर दो, मैं ये करूँगा। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, भगवान को लालच दे रहे हो आप? तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर हमारी लाइफ में कठिन परिस्थितियाँ भी अगर आती है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ईश्वर का ही कोई मैसेज उसमें छुपा रहता है, जो वो हमें सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। भाई खुशियाँ आ रही है तो वो तो आपके अच्छे कर्म हैं, इस वजह से आपको जो है सुख मिल रहा है अपने जीवन में। लेकिन अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जब आती है तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आदमी क्या है, स्ट्रेस में आ जाता है, टूट जाता है, परेशान हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस उसका गिर जाता है पूरी तरह से, और वह ईश्वर से कंप्लेन करना शुरू कर देता है, भगवान हमने क्या बिगाड़ा था, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उनके साथ ऐसा क्यों, उन्होंने ऐसा क्या किया। तो इस तरह से बहुत सारी कंप्लेंस करना शुरू कर देते हैं हम गॉड से। तो ज़रूरी नहीं है कि ये आप ही के साथ हुआ है, दुनिया में जहाँ बहुत सारे लोग हैं सबके साथ हो रहा है, लेकिन आपको पता है क्या किसके साथ क्या हो रहा है, किसके ऊपर क्या बीत रही है। तो हम क्या करते हैं, जब हार्डशिप्स आती है ना तो पूरा ब्लेम गॉड के ऊपर डाल देते हैं कि भाई आपकी वजह से ऐसा हुआ है, आपने ऐसा किया है। अब मैं जो है बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पूजा करना बंद कर देते हैं, है ना, मंदिर जाना बंद कर देते हैं, भगवान से नाराज़ हो जाते हैं कि आपने जो है ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया। अगर कब करते हैं हम ऐसा, जब हमारी कोई विश पूरी नहीं होती है, तो जैसे हमने कोई विश मांगी भगवान ऐसा कर देना, और अगर वैसा नहीं हुआ तो हम गॉड से नाराज़ हो जाते हैं। मतलब वो जो 51 रुपए का प्रसाद आपने बोला था, अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो फिर 51 रुपए का प्रसाद तो चढ़ाते भी नहीं है अपन, और उल्टा भगवान से और नाराज़ हो जाते हैं कि भाई आपने मेरा काम नहीं कराया। तो यही चीज़ के बारे में वो अपनी इस पोएम में बता रहे हैं कि कई बार जो हार्डशिप्स हमारी जीवन में आती है ना, तो उन हार्डशिप्स में भी ईश्वर का कोई ना कोई मैसेज छिपा होता है, उस मैसेज को डिसाइफर करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही है तो इसके पीछे गॉड हमें क्या बताना चाहते हैं, कौन सा हिडन मैसेज है जो वो हमें एक्सप्रेस करना चाहते हैं इस कठिन परिस्थिति के माध्यम से। बजाय नाराज़ होने के आपको इस तरह की मेंटेलिटी, इस तरह का एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए अपने अंदर, बजाय ईश्वर से इस तरह से नाराज़ होकर के उनको ब्लेम करने के, इस तरह की एटीट्यूड को आप जो है रखिए, इस तरह का नज़रिया रखिए कि खुशियाँ आई है तो आपने जाहिर सी बात है कोई ना कोई अच्छा काम किया ही होगा, और अगर गम आ रहे हैं, दुख अगर आ रहे हैं, हार्डशिप्स अगर आ रही है तो उनके पीछे भी ईश्वर का कोई ना कोई पर्पस छुपा हुआ है। आप बस थोड़ा धैर्य रखिए, कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यही मैसेज दे रहे हैं वो अपने इस पोएम में, लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस में। देखिए आगे, लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस इज अ रिलीजियस पोएम विच कैन बी संग इन इंग्लिश चर्च सर्विस। ये
अब क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है ये एक रिलीजियस पोएम है, यानी कि एक हिम है, और इसीलिए इस रिलीजियस पोएम को गाया भी जा सकता है भजन के रूप में इन इंग्लिश चर्च, किसी भी चर्च वगैरह में जहाँ पे लोग पूजा करने जाते हैं जीसस क्राइस्ट वगैरह के, तो वहाँ पे जैसे अपन आरती गाते हैं ना भगवान की पूजा करते हैं तो शाम के टाइम पे, तो उसी तरह से गिरजाघर में जाने वाले जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो भी वहाँ पे जाकर के जब संध्या काल के समय या मॉर्निंग टाइम में जब भी वहाँ पे आरती होती होगी ना तो इंग्लिश में एक वहाँ पे एंथम गाया जाता है, अगर आपने मूवी वगैरह में कभी देखा हो तो, क्योंकि जनरली अपने यहाँ आसपास तो कोई ऐसा चर्च वगैरह है नहीं, लेकिन कभी जाने का मौका मिले अगर तो शाम के टाइम पर जाना किसी चर्च में, इंग्लिश में जो है वो कुछ ऐसे इंग्लिश में जो है कुछ ऐसा एंथम वगैरह वो गाते हैं वहाँ पे, जो भी चर्च में काम करने वाले जो प्रीस्ट होते हैं वो शाम के टाइम जो है वो मोमबत्ती वगैरह जला करके और ऐसे करके वो गाते हैं कुछ ना कुछ गीत वगैरह, और जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं वो भी साथ में उसको गा रहे होते हैं, तो वो उनकी आरती होती है ना, वो उनका हिम है, वो उनकी रिलीजियस पोएम है, तो ये पोएम भी एक रिलीजियस पोएम है, एक हिम है, इसीलिए जो है इसको एक भजन के रूप में गाया भी जा सकता है। कूपर्स मॉरल रिफ्लेक्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन दिस पोएम, और इस पोएम में विलियम कूपर के नैतिक विचार जो है उन्होंने एक्सप्रेस किए हैं अपने मॉरल रिफ्लेक्शंस को, अपने नैतिक विचारों को, जो उनके नैतिक विचार हैं, यानी कि जो चीज़ उनको समझ में आई स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के बाद, आध्यात्मिकता से जब वो कनेक्ट हुए डॉक्टर कॉटन के ट्रीटमेंट के बाद, जब वो आध्यात्मिकता से जुड़े तो आध्यात्मिकता से जुड़ने के बाद जो समझ उनके अंदर विकसित हुई, जो चीज़ें उन्होंने समझी ईश्वर से जुड़ी हुई, बस उन्हीं चीज़ों का परिणाम है ये पोएम। वो जो समझ उनके अंदर विकसित हुई आध्यात्मिकता से जुड़ने के बाद उसी का आउटपुट है, उसी का रिजल्ट है ये पोएम। क्या बात उनको समझ में आई आध्यात्मिकता से जुड़ने के बाद, डॉक्टर कोटन के ट्रीटमेंट के बाद जो समझा वो लिख दिया उन्होंने, एक तरह से ये समझ सकते हो आप। इसीलिए यहाँ पे आया है कि ये पोएम में जो है उन्होंने अपने मॉरल रिफ्लेक्शंस को एक्सप्रेस किया है। कूपर कंपोज्ड दिस पोएम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूटन। विलियम कूपर ने न्यूटन, ये उनकी लाइफ के किसी पर्सन का नेम है, तो उनके अंडर में, उनके प्रभाव में उन्होंने जो है ये पोएम कंपोज की थी। द और ये न्यूटन कौन थे? द इवेंजेलिकल क्यूरेट ऑफ ओलनी। ओलनी नामक एक जगह है, उस ओलनी में एक पादरी थे ये क्यूरेट। क्यूरेट का मतलब चर्च में काम करने वाले जो प्रीस्ट होते हैं उनको बोलते हैं। तो ये न्यूटन कौन थे? एक चर्च में काम करने वाले एक प्रीस्ट थे ओलनी में, तो वहाँ पे ये जाते होंगे, तो जैसे अपने अब बाबा लोग रहते हैं ना अपने इधर, बच्चा ईश्वर परमात्मा इस संसार सागर से मुक्ति पाइए, बाबा लोग रहते हैं ना अपने, वो ज्ञान देते रहते हैं जो मोह माया है सब छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए, परमात्मा से कनेक्ट होइए, है ना, ईश्वर से कनेक्ट होइए, और इस सारे संसार को छोड़ करके जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दीजिए, तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो। तो आध्यात्मिक धर्म गुरु रहते हैं ना, उसी तरह से ये भी कोई ना कोई आध्यात्मिक धर्म गुरु होंगे जो गिरजाघर में काम करते होंगे, तो हो सकता है वहाँ पे ये जाते हों उस चर्च में और ये न्यूटन से मिलते हों और वो इनको समझाते हों आध्यात्मिकता के बारे में, कुछ उपदेश वगैरह देते होंगे, तो उनके प्रभाव से प्रेरित होकर के ये कविता लिखी थी उन्होंने, है ना। चलिए ठीक है, अब आते हैं पोएम के ऊपर सीधे डायरेक्टली। लिखिए मीनिंग्स, लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस। गॉड मूव्स, मूव अंडरलाइन करके लिखिए। मूव का मतलब वैसे आगे बढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेटाफरिक सिचुएशन में ये पूरी पोएम लिखी हुई है तो इसीलिए यहाँ पे मूव का मतलब है काम करना, काम करना, काम करना, मिस्टीरियस वे, रहस्यमय तरीके से। हिज वंडर्स, हिज वंडर्स, पूरा अंडरलाइन करके लिखिए। वंडर्स से मतलब यहाँ पर है वंडरफुल टास्क, वंडरफुल डीड्स, आश्चर्यजनक कार्य, आश्चर्यजनक कार्य। परफॉर्म करना मतलब आप जानते ही हो, प्रस्तुति देना। ही प्लांट्स,
प्लांट्स को अंडरलाइन करके लिखिए, इस्टेब्लिश करना, जमाना, रखना, जमाना। हिज फुटस्टेप्स, पैर, फुटस्टेप्स, पैर। इन द सी, इसके नीचे है राइड, राइड यानी सवारी करना। अपॉन द स्टॉर्म, तूफान। इसके नीचे है डीप यानी गहरा, अनफेदमेबल जिसे नापा न जा सके, अनमेजरेबल। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उसमें भी आया था ये मीनिंग। वो कई सारे जो वैल्यूएबल जेम्स जो डीप अनफेदमेबल केव्स में रहते हैं, जिनको कोई देख नहीं पाता है और वो इसी तरह से वेस्ट हो जाते हैं, उसी तरह से उन गांव वालों का टैलेंट वेस्ट हो गया। तो ये वही है, अनफेदमेबल मतलब अनमेजरेबल, जिसे जिसकी गहराई को नापा ना जा सके। माइंस, माइंस का मतलब यहाँ पर है गुफाएँ, समंदर में जो बहुत गहराई में गुफाएं होती है तल में, वो जहाँ तक पहुँचा ना जा सके, जहाँ या जिसकी गहराई को नापा ना जा सके। माइंस, केव्स, गुफाएं। नेवर फेलिंग, नेवर फेलिंग यानी कभी फेल नहीं होने वाला। स्किल यानी कौशल। इसके नीचे है ट्रेजर अप, ट्रेजर अप यानी छिपा करके रखना, ट्रेजर अप छिपा करके रखना। हिज ब्राइट, ब्राइट यानी कि शानदार। डिजाइंस यानी प्लान्स हैं यहाँ पे, योजनाएं। डिजाइंस, डिजाइंस मतलब प्लान्स है, योजनाएं। वर्क, हिज सोवरेन, सोवरेन को अंडरलाइन करके लिखिए, संप्रभु। जैसे भारत की संप्रभुता, संप्रभुता मतलब, संप्रभुता का मतलब होता है जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, संप्रभु। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी कि संप्रभु का मतलब ये होता है कि भारत अपना हर डिसीजन जो है खुद के हिसाब से लेगा, जो भी उसको अच्छा लगेगा वैसा करेगा, किसी और का इंटरफेयर जो है सहन नहीं करेगा। तो अपने हिसाब से कोई व्यक्ति जब काम करता है और अपने कार्यों के ऊपर जब उसके खुद के विचारों का प्रभाव अपने को देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं अपन सॉवरेन। जैसे कोई व्यक्ति अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसको कितना ही बोल लो लेकिन वो अपने हिसाब से काम करेगा, उसको कितना ही समझा लो बेटा ऐसा कर लेकिन फिर भी वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, अगर किसी की नहीं सुन रहा है अगर, तो वो सॉवरेन पर्सन है, संप्रभु है, मतलब अपने हिसाब से काम कर रहा है। विल यानी इच्छा, विल इच्छा। इसके नीचे है ये से मतलब यहां पर है यू, यू तुम। फेयरफुल मतलब डरे हुए। सेंट यानी कि संत, संत महात्मा लोग जो होते हैं वो, साधु, संत, महात्मा, बाबा। टेक धारण करना, टेक धारण करना, करेज हिम्मत साहस। द क्लाउड्स यानी बादल। यी यू। ड्रेड डराना। आर बिग विद मर्सी दया, मर्सी दया। शेल ब्रेक, शेल ब्रेक। ब्रेक एक्सप्लोड होना, फूटना या बरसना, फूटना या बरसना, क्योंकि बादल जब बरसते हैं तो या तो आप फूटना यूज कर दो या बरसना यूज कर दो। इन ब्लेसिंग्स आशीर्वाद। इसके नीचे है जज, जज करना, जज करना, आप जानते हो जज करना, जस्टिफाई करना किसी को भी कि भाई तू ऐसा है, तू वैसा है, तू वैसा है, तू वैसा है, है ना, उसको बोलते हैं जज करना। तो कई बार अपन कहते भी हैं ऐसे कैसे आप किसी को भी बिना उसके बारे में जाने जज कर सकते हो, यानी आपको पता है क्या उसकी सिचुएशन क्या है, नहीं तो फिर कैसे जज कर रहे हो आप उसको, कहते हैं ना अपन कई बार। जज, लॉर्ड, गॉड। फीबल कमज़ोर, वीक। सेंस यानी कि इंद्रियां, बोलते हैं ना अपन सिक्स सेंस, ये मेरी छठी इंद्री के से आया है ये विचार मेरे अंदर, सिक्स सेंस, मेरा सिक्स सेंस काम कर रहा है, सिक्स सेंस मतलब मेरी छठी इंद्री काम कर रही है, तो सेंस इंद्रियां। इसके नीचे है ट्रस्ट, फॉर हिज ग्रेस, ग्रेस का मतलब कृपा, ग्रेस कृपा। ग्रेस का मतलब आकर्षण भी होता है ना, ग्रेस का मतलब आकर्षण भी होता है, ग्रेस का मतलब कृपा भी होता है। By the grace of God, लिखते हैं ना ईश्वर की कृपा से, By the grace of God। Behind a frowning, frowning मतलब क्रोधित, frowning क्रोधित, गुस्से में। Providence, providence, protective care of God, providence लिखिए आप,
प्रोटेक्टिव केयर ऑफ गॉड। लाइन नंबर 16 पे आइए, राइपन। राइप होना यानी पकना, पूरे होना। राइप का मतलब ऐसे पकना होता है, लेकिन यहां पे अपन मेटाफरिक सिचुएशन है ना, तो इसी वजह से इसका मतलब है पूरे होना, कंप्लीट होना। फास्ट मतलब तेजी से, फास्ट तेजी से। अनफोल्ड, अनफोल्ड मतलब सामने आना, अनफोल्ड सामने आना। एवरी आर हर समय, एवरी आर हर समय हर पल। बड कली, बड कली। बिटर कड़वा, बिटर टेस्ट कड़वा स्वाद, बिटर टेस्ट कड़वा स्वाद। इसके नीचे है ब्लाइंड यानी अंधा, अनबिलीफ अविश्वास। यानी जैसे अपन किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं ना, अब तो वो अविश्वास होता है, मतलब वो गलत विश्वास है जो अपन कर लेते हैं। तो अंधा जो ब्लाइंड अनबिलीफ है वो, अंधा अंधविश्वास, अनबिलीफ यानी जो विश्वास करने लायक नहीं है। एयर, टू एयर, टू एयर को अंडरलाइन करके लिखिए, गलती करना, मिस्टेक करना। टू एयर गलती करना, मिस्टेक करना। इसके नीचे है स्कैन, ढूंढना, स्कैन करना, ढूंढना। इन वेन व्यर्थ में, बेकार में। इन वेन व्यर्थ बेकार। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, व्याख्या करने वाला। इंटरप्रेट करना मतलब होता है व्याख्या करना, और इंटरप्रेटर व्याख्या करने वाला। जैसे कई बार एग्जाम में भी लिखा आता है कि भाई इंटरप्रेट द थॉट्स ऑफ द राइटर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो राइटर के थॉट्स हैं उनको इंटरप्रेट कीजिए, मतलब उनकी व्याख्या कीजिए। इसके नीचे ही का एच कैपिटल है, तो जाहिर सी बात है ये गॉड के लिए आया है। एंड मेक इट प्लेन, मेक इट प्लेन मतलब टू मेक समथिंग क्लियर। मेक इट प्लेन, मेक इट प्लेन मीन्स टू मेक समथिंग क्लियर, किसी चीज को स्पष्ट कर देना। ठीक है, बस डन। पोएम को कल पढ़ेंगे फिर, क्योंकि अभी कंप्लीट भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों।